मैं अंकुर आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। और बायोग्राफी के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को बिहार के रांची शहर में हुआ था, जो अब झारखंड में है। उनके पिता का नाम पान सिंह और मां का नाम देवकी है। वैसे धोनी का होम टाउन उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में लावली नाम के एक गांव में है, लेकिन उनके पिता पान सिंह की जॉब मैकॉन कंपनी में जूनियर मैनेजमेंट ग्रुप में लग गई। इसी कारण पूरे परिवार के साथ उन्हें रांची में शिफ्ट होना पड़ा। धोनी की एक बहन है जिसका नाम जयंती है और एक भाई जिसका नाम नरेंद्र है। धोनी ने अपनी पढ़ाई डीएवी जवाहर मंदिर श्यामली रांची से की थी। आज उन्हें क्रिकेट के कप्तान कुल के नाम से जाना जाता है, लेकिन उन्हें बचपन में फुटबॉल और बैडमिंटन का बहुत शौक था और उस टाइम उन्होंने क्रिकेट के बारे में नहीं सोचा था। फुटबॉल में तो छोटी उम्र में ही डिस्ट्रिक्ट और क्लब लेवल पर मैच खेलना स्टार्ट कर दिया था। वह अपनी फुटबॉल टीम में गोलकीपर के तौर पर खेलते थे। उनका गोलकीपर के तौर पर अच्छे परफॉर्मेंस को देखते हुए टीम के कोच ने उन्हें क्रिकेट में हाथ आजमाने के लिए भेजा। इसके पहले धोनी ने क्रिकेट पहले कभी नहीं खेला था, फिर भी उन्होंने अपनी विकेट कीपिंग से सबको प्रभावित कर दिया और कमांडो क्रिकेट क्लब के रेगुलर विकेट कीपर बन गए। क्रिकेट क्लब में अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें वीनू मर्केंड ट्रॉफी के लिए चुना गया। वह अपने शुरुआती दिनों में लंबे बाल रखा करते थे। क्लास 10 तक उन्होंने साधारण क्रिकेट खेला, क्योंकि उस खेल के साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देना होता था। 10th के बाद उन्होंने रेलवे में टीटीई के लिए एग्जाम दिया, जिसमें वो सेलेक्ट हो गए। उसके बाद धोनी साउथ रेलवे के खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर 2001 से 2003 तक एज अ टीटी काम किया। धोनी हमेशा अपने शरारती हरकतों के लिए भी जाने जाते हैं। एक बार की बात है, रेलवे क्वार्टर पर जब वो थे तब अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुद को सफ़ेद कंबल में पूरी तरह ढक लिया और देर रात तक अपनी कॉलोनी में घूमते रहे। वहाँ का पहरेदार और कुछ लोगों ने जब लंबे बाल और सफ़ेद कपड़े में पूरी तरह ढका हुआ देखा तो डर गए और डर कर वहाँ से भाग निकले। लोगों को लग रहा था कि कॉलोनी में कोई भूत घूम रहा है। उनकी इस कांड से लोग बहुत डर गए थे और अगले दिन यह एक बड़ी खबर बन गई थी। वह रेलवे में नौकरी के साथ रणजी ट्रॉफी का हिस्सा बने रहे। धीरे धीरे उनका क्रिकेट में मन बहुत ज़्यादा लगने लगा और काम से मन हटने लगा और उन्होंने क्रिकेट में अपना करियर बनाने का सोच लिया था। सबके मन में यह सवाल होता है कि वह नेशनल टीम में कैसे सेलेक्ट हुए। बता दूँ कि BCCI की एक टीम होती है जो छोटे शहरों से सबसे अच्छे टैलेंट को खोजने का काम करती है, और उसी टीम में से प्रकाश पोद्दार की नज़र धोनी पर पड़ी और उन्होंने धोनी को नेशनल लेवल पर खेलने के लिए सेलेक्ट कर लिया। धोनी को बड़ी कामयाबी तब मिली जब उन्हें 2003 में इंडिया ए टीम के लिए चुना गया और वो ट्राई सीरीज खेलने के लिए केन्या गए। इस सीरीज में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया, जिसमें उन्होंने अर्धशतक बनाया। उसी टूर्नामेंट में धोनी ने 120 और 119 रन बनाए। वहां पर उन्होंने कुल 7 मैचों में कुल 362 रन बनाए थे। धोनी के शानदार परफॉर्मेंस पर उस समय के कैप्टन सौरभ गांगुली का ध्यान गया और साथ ही ए टीम के कोच संदीप पाटिल ने विकेटकीपर और बल्लेबाज के तौर पर भारतीय क्रिकेट में जगह को लेकर धोनी की सिफारिश की। 2004-2005 में बांग्लादेश दौरे के लिए वनडे टीम में चुन लिया गया। धोनी की एक दिवसीय करियर बेहद ख़राब रही और पहले ही मैच में 0 रन पर आउट हो गए। बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्मेंस अच्छा ना होने के बावजूद वे पाकिस्तान के खिलाफ वनडे टीम में चुने गए। उन्होंने अपने 5वें ही मैच में पाकिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ शतक ठोक कर भारत को जीत दिला दी। उस मैच में धोनी ने 123 गेंदों पर 148 रन की पारी खेली थी। यह किसी भी विकेटकीपर का बैट्समैन के तौर पर हाईएस्ट स्कोर था। 2007 में जब राहुल द्रविड़
ने टेस्ट और वनडे कैप्टेंसी से इस्तीफा दे दिया और सचिन से कैप्टन बनने को कहा गया तो सचिन ने विनम्रता से मना कर दिया और धोनी को कैप्टन बनने के लिए कहा, जिससे बोर्ड के मेंबर भी सहमत हो गए और धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट के कैप्टन बन गए। उसके बाद धोनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप उनकी कप्तानी में भारत ने अपने नाम किया और फिर 2011 में वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप अपने नाम किया। अगर हम धोनी के पर्सनल लाइफ की बात करें तो धोनी ने 2010 में साक्षी से शादी की और 6 फरवरी 2015 को उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम जीवा रखा। दोस्तों, धोनी को 2008 में ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। धोनी पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्हें यह सम्मान मिला। धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से 2007 में सम्मानित किया गया, पद्मश्री से 2009 में और पद्म भूषण से 2018 में सम्मानित किया गया। ये तो हमने महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में जाना है, इसके अलावा भी कैप्टन कूल को बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। माही ने 2014 में टेस्ट क्रिकेट को कप्तानी के साथ अलविदा कह दिया था। 4 जनवरी 2017 को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और T20 टीम की कप्तानी छोड़ी और 15 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। धोनी टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल भी हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपसे मिस ना हो। आपका दिन शुभ हो।